कीजिए साहब, इतना खाने में डाउन कीजिए भाई। देवास में मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। ईदगाह में शहर काजियों ने ईद की विशेष नमाज अदा कराई और खुतबा पढ़ा गया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लग कर ईद की मुबारकबाद दी। 29 दिन की इबादत के बाद सुबह से ही दुआओं का सवाब लेने के लिए रोजेदार ईदगाह की ओर निकल पड़े। शाही ईदगाह और ईदगाह जामा मस्जिद में सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई थी। लोगों की आंखों में सुरमा और मस्तक पर अमामा बांध कर लोग सुबह सुबह ईदगाह की ओर दुआ मांगने निकल पड़े। बहुत बहुत मुबारकबाद हुजूर गरीब नवाज के मुल्क में सब खुले खुले और अल्लाह ताला सबको खुशियां नसीब करे। इसके वास्ते से भाईचारे से खुश मोहब्बत से सब रहे और ईद का पैगाम भी यही देता है। अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र में तमाम लोग रोजे रखे, इसका शुक्र अदा करने के लिए यहाँ हाजिर आते हैं। वही मस्जिद में नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में खड़े पुलिसकर्मियों ने लोगों को ईद की बधाई दी। हमारे देवास शहर में ईद त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है। मैं देवास शहर के सभी नागरिकों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। देवास शहर शांतिप्रिय शहर है और हम सभी को इस बात का फर्ज भी है। मैं पुनः सभी हमारे समस्त देवास के नगरवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। हमने सुरक्षा की पूरी पाबंदी की है, हमें सेक्टर मोबाइल लगातार घूम रही है। ईदगाहों पर हमने सुरक्षा की विशेष प्रबंध किए हैं और अभी तक लगभग शहर में ईद की नमाजें पढ़ी जा चुकी हैं और कई जगह बच्चे वहाँ पर भी हमारा बल अभी लगा हुआ है। हम लोग पूरी तरह हर एक स्थिति से निपट के आ रहे हैं। ईद की विशेष नमाज के बाद जब एक साथ हजारों धर्मावलंबियों के सिर झुके तो ऐसा लगा मानो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए सारा जहां झुक गया। दोनों ईदगाह सहित अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। वहीं छोटे बच्चों ने भी उत्साह के साथ नमाज पढ़ी। न्यूज डेस्क।